हाय गाइस, मैं वामिद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी सब चीज़ों को कर रहे होंगे। समर वेकेशन चल रहा था और समर वेकेशन ऑफ हो चुका है। कल 16 तारीख है और कल जो है ना मेरा कॉलेज खुल रहा है, तो सुबह आना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैं अभी शाम को ही इवनिंग टाइम में अपने घर से जो है ना कॉलेज के लिए निकल आया था। और आते ही जाते यार बहुत ज़्यादा रूम फैला हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि जब जाना था तो सारी चीज़ें ऐसे ही थी, छोड़ छाड़ के मैं चला गया था। देन आ करके सारा रूम को क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया बहुत अच्छे से। एंड यार अभी आप देख रहे हैं, नहा वहा करके आया हूँ। नहाने के बाद में पूरा जो है ना कुछ कपड़े भी थे उनको जो है ना मैंने वॉश किए, उनको अच्छे से जो है ना धुल करके, क्योंकि यार आपको पता है हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो आपको कपड़े वगैरह खुद ही धुलना होता है सारी चीज़ें। और यहाँ का जो ये व्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी के साथ साथ में ना मतलब बहुत ज़्यादा लू धूप वगैरह भी चल रही है। यार कॉलेज अभी ना खुलता तो अच्छा रहता, बट अब खुल गया है तो क्या किया जाए। ये देखिए सारे कपड़े धुल करके यहाँ पे जो है ना फैला दिए। घर पे होता तो ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं पड़ती। वैसे मैं घर ले जाता हूँ और घर में जा कर के वॉश करा लेता हूँ। देख रहे हैं ये यहाँ पर एकदम बेहतरीन व्यू आता है, अच्छा सा व्यू। ये सामने वो साइड में हमारा मैस है, अंदर वाला मैस चलता है। टी टाइम इस टाइम चल रहा था, मगर टी टाइम लगता है ऑफ हो गया है। और इसी वजह से क्योंकि 5 से 6 टी टाइम रहता है और 6 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। रात में 8-8 बजे आपको खाना मिलता है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सामने पेड़ वगैरह बहुत अच्छे लगे थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब जो है ना कॉलेज वालों ने कटवा दिए हैं। और यार प्लांट वगैरह कट रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ कंस्ट्रक्शन इन्हीं लोगों का कॉलेज वगैरह का चल रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में। देख रहे हैं अभी भी फैला पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। रूम जो है ना साफ़ किया था, टेबल वगैरह साफ़ करी, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ करी। टेबल वगैरह को अच्छे से मैंने जो है ना साफ़ किया था, क्योंकि छोटा सा रूम है हमारा और यहीं पर सारी चीज़ें जो है ना हमें एडजस्ट करनी रहती हैं। घर पे था यार, बहुत सुकून में था, लेकिन क्या करूं यार, अब चीज़ें हैं करना है तो यहाँ पे आना पड़ा। बहुत सारे लोग यार कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या प्रोसेस चल रहा है, हॉस्टल फीस वगैरह क्या है और मतलब कैसा रहता है यहाँ का। तो भाई बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, हॉस्टल की फ़ीस नॉर्मली रहती है डिसेबल लोगों के लिए। बेसिकली आपको पता ही है डिसेबल का ये कॉलेज है, तो डिसेबल के हिसाब से जो है ना सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको जो है ना वो किया गया है। मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारा काम होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो सकता है डिसेबल लोगों के लिए उतना ज़्यादा जो है ना यहाँ पे छूट दी जाती है हम डिसेबल लोगों को। तो अगर कोई जो है ना एडमिशन लेना चाहता है तो बिल्कुल अच्छे से जो है ना आए और आ करके यहाँ का जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, वो जो है ना सारी चीज़ें देखे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, तो अच्छे से अपना ख्याल रखो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखो। एंड कल से मेरा रूटीन स्टार्ट होगा, जो पूरा रूटीन होता है हमारा, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड ओ ओ ओ सॉरी, ये मेरी स्टडी टेबल है, ये कुछ बुक्स वगैरह हैं मेरी, और ये मेरा लैपटॉप, बस यही सारी चीज़ें हैं। और बस यहीं पर ही सारी चीज़ें सेटअप करके बहुत अच्छे से ध्यान दे करके चीज़ों को करना है। और जितना हो सके जो है ना चीज़ों को, जो भी आपके लिए पॉलिसीज़ वगैरह उठ रही मिल रही हैं या जो भी आपके लिए सेवाएं गवर्नमेंट दे रही है, उनका जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उठा करके अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करें और भी लोगों को जितना हो सके हेल्प करें। एंड मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।